अली की एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुबई की अथॉरिटीज हमारे साथ डेटा शेयर करेंगी प्रॉपर्टीज का, और एक बड़ी खुशायन खबर है। इसके पीछे थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ 30 साल से तकरीबन एक 1992 के अंदर एक लॉ आया था जिस पर मुल्क से पैसा भेज सकते थे और वापस ला सकते थे, उस पर कोई सवाल नहीं होता था। उसका बड़ा मिसयूज हुआ और एक मुल्क की इकॉनमी के अंदर जो करप्शन की हम इतनी बातें करते हैं, उसका असल मसला ये है कि मुल्क के अंदर जो पैसा कमाया जाता है, चाहे वो करप्शन से कमाया जाए या रेंट सीकिंग से कमाया जाए या किसी चीज़ से, अगर वो मुल्क में रहेगा तो इसी इकॉनमी को ग्रो करेगा, यहाँ पे नौकरियाँ पैदा करेगा, यहाँ पे लोगों को कारोबार के मौके फराहम करेगा। लेकिन जब वो पैसा पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है तो दूसरी इकॉनमीज में फ़ायदा होता है। दुबई की इकॉनमी दुनिया भर में इससे चली है कि वो दुनिया भर का काला पैसा आता रहा है, वो उधर उसको सफ़ेद कर देते हैं और वहाँ की प्रॉपर्टी चला देते हैं और पूरा उसका मॉडल चला गया। यूके में बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई, अमेरिका में हुई और दुनिया के बहुत सारे डेवलप मुल्कों में ऐसी हो रही है। तो हमारे यहाँ ये बड़ी शिकायत की जाती है कि भाई पैसा यहाँ से लोग ले लेते हैं और भेज देते हैं और उसका फिर कोई पूछा नहीं जाता, जब बाहर पैसा चला जाता है वो सब कोशल हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा खुशाइन बात है, अगर दुबई हमारे साथ ये शेयर कर रहा है तो हमारे लोगों को डर होगा, वो इस मुल्क को पैसे को वापस लाना चलेंगे, किसी तरह से एमनेस्टी लेंगे या कुछ करेंगे और एटलीस्ट जो पैसा बाहर जा रहा है वो रुक जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और जितना ये होगा उतना अच्छा है। गुड लक शब्बर एंड टीम।